नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। हैदराबाद दौरे पर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, निवेश बढ़ाने के लिए हैदराबाद में करेंगे रोड शो, अलग अलग इन्वेस्टर से करेंगे बात। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का जीतू पटवारी पर पलटवार, कहा एमपी की सरकार लगातार उड़ान भर रही है, कांग्रेस सिर्फ झूठ फैलाती है। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा से मिला कांग्रेस का दल, आलोक शर्मा ने जीतू पटवारी से फोन पर की बात, कहा आपके नेताओं ने की है गलत बयानबाजी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म, विजयपुर से वन मंत्री रामनिवास रावत के नाम पर बनी सहमति, बुधनी सीट पर फंसा पेच। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान, कहा बुधनी में आर पार की लड़ाई, लोग चाहते हैं बदलाव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद अब बीजेपी के विधायक ने एकजुट रहने की बात कही, रामेश्वर शर्मा ने कहा बांग्लादेश में हिंदू स्थलों पर हमला हो रहा है, हमें एकजुट रहना होगा। बुरहानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, विधायक अर्चना चिटनिस के निवास पर ज्ञापन देने के दौरान हंगामा, रेप और हत्या की घटना के विरोध में ज्ञापन देने पहुंचे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने की सफाई, रामठापुरा स्थित भाजपा सदस्य अभियान के दौरान गंदगी देखकर की नाली की सफाई, अधिकारियों को भी दिए निर्देश। इंदौर में शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष ने लिखा दिग्विजय सिंह को पत्र, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर लगाया बेइज्जत करने का आरोप, बोले दिग्विजय सिंह ने मेरी सरेआम बेइज्जती की है। रीवा को एयरपोर्ट की सौगात, कुछ ही दिन में रीवा में नए एयरपोर्ट की होगी शुरुआत, पीएम मोदी 21 अक्टूबर को वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। भोपाल में नाराज नेताओं की बैठक, विधायकों को दी गई हिदायत, पब्लिक फोरम पर ना करें कोई गलत टिप्पणी। गोडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का विवादित बयान, भाजपा विधायक सांसदों को मंच से कहा नालायक, कमिश्नर पर भी लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया का बयान, हमारी कोई समस्या नहीं है और ना ही हम पार्टी से नाराज हैं। इंदौर में दशहरा पर बनाया गया विवादित रावण, रावण के मुख्य सिर के अलावा चार सिर और लगाए, चार सिर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी का फोटो लगाया गया। बड़े प्रदर्शन की तैयारी में यूथ कांग्रेस, नौकरी दो नशा नहीं के उद्घोष के साथ दिल्ली कूच की तैयारी, ग्वालियर में भी शुरू हुई कांग्रेस की तैयारी। उज्जैन से जुड़े बाबा सिद्दीकी के कत्ल के तार, कुछ दिन पहले उज्जैन आया था एक संदिग्ध, मुंबई पुलिस ने उज्जैन पुलिस के साथ की छापेमार कार्रवाई। ड्रग फैक्ट्री मामले में 3 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई, आरोपियों को 26 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, तीनों से लगातार 1 हफ्ते से एनसीबी कर रही है पूछताछ। ग्वालियर में हुई लाखों की ठगी, टीन शेड लगाने के नाम पर 50 लाख रुपए ठग लिए गए, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। सीधी में नाबालिग आत्महत्या केस में नया मोड़, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया थाने का घेराव, परिजनों का आरोप बच्ची के साथ हुई है दुष्कर्म की वारदात। दतिया में 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या का प्रयास, बाइक सवार 3 दोस्तों ने बदमाशों ने गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। देवास में प्रेमिका ने कराई पति की हत्या, कुछ ही घंटों बाद हुआ मामले का खुलासा, आरोपी महिला और उसके दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जबलपुर में बहन के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक व्यक्ति को भाई ने उतारा मौत के घाट, जबलपुर जिले की कटनी थाना क्षेत्र का है पूरा मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कटनी में ऑटो को गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर, टक्कर से ऑटो सवार 10 लोग घायल और एक युवक की मौत, ऑटो में सवार थे कुल 11 लोग। रीवा में मृत अवस्था में मिला युवक का शव, मृतक की पहचान में जुटी पुलिस, 2 दिन पुरानी बताई जा रही युवक की लाश। डिंडोरी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में हुई चालक की मौत, मामले की जांच कर रही है पुलिस। जबलपुर में नाले के बाजू में पेशाब करने पर हुई चाकूबाजी की घटना, पेशाब करने पर आरोपियों का किट्टू से हुआ था विवाद, 8 से 10 युवकों ने किया घटना को अंजाम। राजधानी भोपाल में प्रदर्शनकारी पुलिस पर नहीं लगा सकेंगे आरोप, राजधानी भोपाल में पुलिस की गाड़ियों पर लगाए जाएंगे डिवाइस, पुलिस कैमरे और सेंसर के जरिए रखी जाएगी निगरानी।
चित्रकूट में चाचा ने भतीजे पर किया कुल्हाड़ी से हमला, भतीजे की इलाज के दौरान हुई मौत, आरोपी की हुई कोर्ट में पेशी। नीमच में आदिवासी समाज के युवक की मौत के मामले में जय संगठन ने थाने के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, पीड़ित परिवार ने लगाए हत्या के आरोप, पुलिस बता रही है एक्सीडेंट। रायसेन में शिक्षा के मंदिर में प्रिंसिपल का भक्षक अंदाज, नवी की छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, ग्रामीणों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पन्ना में नहीं है पुलिस का खौफ, एक दर्जन बदमाशों ने युवक के घर पर किया हमला, जमकर की तोड़फोड़, तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। 10 किलो गांजा ले जा रहा है युवक गिरफ्तार, ग्राहकों को तलाश कर मादक पदार्थ बेचने फिराक में था युवक, पुलिस ने देर रात आरोपी उदल सिंह परमार को किया गिरफ्तार। पुनासा में पर्यटन स्थल हनुमानथिया में इंदौर की दंपति की डूबने से हुई मौत, इंदौर में शनिवार को पर्यटन स्थल हनुमानथिया घूमने के लिए आई थे पति पत्नी, सुबह घूमने के दौरान जलाशय में डूबने से हुई दोनों की मौत। छतरपुर जिले के नगर दुवारा में एक कचड़े के ढेर पर मिली नवजात बच्ची के शव, मिलने पर मचा हड़कंप, कचरे के ढेर में रोती बिलखती हुई मिली बच्ची की लाश, लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। बीजेपी युवा मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष और ग्रामीण के बीच मारपीट, दोनों जिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने किया मामला दर्ज, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीराजपुर पुलिस ने कार से 5 लाख रुपए की अवैध शराब की जब्त, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बालाघाट का डीजीपी ने किया दौरा, नक्सलवाद के खात्मे के लिए डीजीपी ने जवानों के साथ गुजारी रात, ट्रांजेक्शन कैंप में जवानों का बढ़ाया हौसला। झाबुआ में फार्मा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई में 168 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 112 किलो की ड्रग्स की गई जब्त, मौके पर प्रशासनिक अमला रहा मौजूद। इंदौर का हेल्थ एटीएम उद्घाटन होने के 2 दिन बाद भी नहीं हो सका शुरू, विस्तार न्यूज की पड़ताल में क्लिनिक पर लटका मिला ताला, मरीजों को महज 5 मिनट में जांच रिपोर्ट का किया गया था दावा। शिवपुरी में चाय वाले की देखने में मिली अनोखी दीवानगी, 90,000 की लूना खरीदने के लिए 60,000 रुपए के खर्च, बग्गी और डीजे के साथ शोरूम पर पहुंचा युवक। जबलपुर में विदेशी पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा, काना बांधवगढ़ और पेंच राष्ट्रीय उद्यान विदेशी पर्यटकों की बने पहली पसंद। ग्वालियर अंचल में पिछले 6 महीने में 30% विदेशी पर्यटकों में हुआ इजाफा, देश का सबसे खूबसूरत ग्वालियर किला तानसेन का मकबरा देखने आ रहे हैं पर्यटक, अंचल की ऐतिहासिक पर्यटन स्थली पर्यटकों को आ रही है पसंद। देवास में माता टेकरी पर दान पेटियों की राशि की गिनती हुई शुरू, तहसीलदार की निगरानी में हो रही है गिनती, मंगलवार तक गिनती हो जाएगी पूरी। मुनीम से लूट का मामला, बंदूक कनपटी पर लगाकर कर रहे थे फायर, फायर ना होने से बंदूक ही मारी सर पर, 2 अज्ञात आरोपी हुए फरार, लूट के प्रयास में की गई थी पूरी वारदात। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में 324 किलोमीटर लंबी सड़क का होगा विकास, सीएम विष्णुदेव साई की पहल ने केंद्र सरकार को दिए निर्देश, केंद्र सरकार से मांगी 892 करोड़ रुपए की मदद। छत्तीसगढ़ में एक साथ हो सकते हैं निकाय और पंचायत चुनाव, एक साथ चुनाव कराने को लेकर सरकार ने बनाई थी कमेटी, कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, जल्दी ही रिपोर्ट पर निर्णय लेगी सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने की एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव कराने की तैयारी, कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने कहा एक साथ चुनाव कराने का फैसला बिल्कुल गलत है, ये अव्यवहारिक फैसला है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस कार्यकर्ता 16 अक्टूबर को करेंगे दिल्ली कूच, नशा नहीं रोजगार चाहिए की मांग को लेकर होगा आंदोलन, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने की धान खरीदने के लिए 37,000 करोड़ कर्ज लेने की तैयारी, समिति की मंजूरी के बाद सियासत हुई तेज, कांग्रेस ने की 1 नवंबर से पहले किसानों का धान खरीदने की मांग। रायपुर में 2013 में हुए राजभवन मामले में विधायक देवेंद्र यादव की हुई पेशी, मामले में 18 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, बालोदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद है एमएलए देवेंद्र यादव। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद बड़ा विवाद, लोगों ने आरोपी के घर ट्रक पिकअप और कबाड़ गोदाम में लगाई आग, एसडीएम को मौके से भगाया। सूरजपुर हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला, भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कानून व्यवस्था पर बिल्कुल पूरी तरह चरमरा गई है, प्रदेश में समाप्त हो गया है कानून।
सूरजपुर डबल मर्डर कांड के आरोपी कुलदीप साहू का एनएसयूआई ने किया खंडन। एनएसयूआई ने कुलदीप साहू के एनएसयूआई के किसी भी पद होने से किया इनकार। एनएसयूआई अध्यक्ष ने की आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग। रायपुर कोर्ट ने गैंगस्टर अमन साहू को 19 अक्टूबर तक की पुलिस रिमांड पर भेजा। पूछताछ में अमन का वकील रह सकेगा मौजूद। 13 जुलाई को अमन साहू के गुर्गों ने चलाई थी गोली। रायपुर में 16 अक्टूबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक। धान खरीदी की तारीख पर बैठक में होगा फैसला। नई उद्योग नीति को लेकर भी हो सकती है चर्चा। अंबिकापुर में संदीप लकड़ा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही कर लिया था गिरफ्तार। आरोपियों ने चोरी का आरोप लगाकर संदीप लकड़ा की बेरहमी से की थी हत्या। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की बड़ी रिमांड। रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में किया गया था पेश। कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजा। रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक होने वाली अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में मशहूर क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव होंगे शामिल। समापन कार्यक्रम में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर होंगी शामिल। सीएम साय ने वन विभाग और प्रतिभागियों को दी बधाई। फालोदा बाजार में कैरेक्टर पर शक होने के चलते पति ने की पत्नी की हत्या। हथौड़ी से हमले कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने केरल से 4 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग का लालच देकर की थी 24 लाख रुपए की ठगी। शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। जशपुर पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 21 किलो गांजा किया बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी। मुंगेली पुलिस ने 6 ब्राउन शुगर तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 9 लाख रुपए का 46 ग्राम ब्राउन शुगर किया बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। कोंडागांव में खाद्य विभाग की टीम ने अवैध गोदाम पर की छापेमार कार्रवाई के दौरान 70 बोरी पीडीएस का चावल किया जब्त। धमतरी में शहीद जवान को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। गृहग्राम जवरगांव में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद दी गई सलामी। बालाघाट में नक्सल मोर्चे पर तैनात था जवान। पेंड्रा में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। विधायक प्रणव कुमार मारपच्ची ने मां सरस्वती की वंदना कर किया शुभारंभ। कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने मनमोहक नृत्य की दी प्रस्तुति। बस्तर में दशहरा पर्व पर अदा की गई रथ परिक्रमा की आखिरी रस्म। परंपरा के अनुसार रैनी रस्म में ग्रामीणों को मनाकर शाही अंदाज में राजा वापस लाए चोरी की गई विजय रथ। बेमित्रा में श्री रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का दल हुआ रवाना। सीओ ने श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। रीवा में बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने एक बार फिर अवैध मजार का उठाया मुद्दा। एक्स पर लिखा, प्रशासन से गुहार लगाई, अवैध मजार पर करे जल्द से जल्द कार्रवाई। लैंड जिहाज से लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। ग्वालियर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा। 2 अलग अलग स्थानों पर हुई 2 युवकों की मौत। प्रशासन की बताई जा रही है लापरवाही। अलीराजपुर में अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पिकअप में लदी सब्जी के नीचे पकड़ा अवैध शराब का जखीरा। कार्रवाई से तस्करों के बीच मचा हड़कंप। भिंड में पुलिस ने पकड़ी आतिशबाजी की बड़ी खेप। आतिशबाजी कारोबारी को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। आगर मालवा में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार में सवार 2 लोगों की हुई मौत। 1 महिला समेत 2 महिलाएं हुई घायल। नरसिंहपुर में एक युवक ने अपने ही गांव के युवक को मारी गोली। गांव के युवक से बहन की बात करना भाई को नहीं था पसंद। पुलिस ने आरोपी रंजिश का किया मामला दर्ज। पन्ना में स्कूल जाते समय ऑटो से गिरा छात्र। सिर में आई गंभीर चोट। मौके पर हुई मौत। ऑटो में सवार थे 10 से 15 छात्र। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। राजगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने 8 साल के बच्चे को रौंदा। पिता के साथ नाश्ता लेने आया था बच्चा। परिजनों का रो रोकर हुआ बुरा हाल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में 2 अक्टूबर से लापता छात्र का मिला पता। शाहरुख नाम से युवक के साथ भागी थी छात्रा। पुलिस ने यूपी के अलीगढ़ से दोनों को किया गिरफ्तार। एमपी में 4 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। सीओ और विदिशा टीकमगढ़ के बदले गए एसपी। देर रात राज्य शासन ने जारी किया आदेश। मुरैना में जिला प्रशासन के दावे पूरी तरह से हुए फेल। आसानी से नहीं मिल रहा किसानों को खाद। खाद केंद्रों में लग रहा है किसानों का लंबा जाम। छतरपुर में बाबा बागेश्वर महाराज की भारत सरकार से मांग, देश में हो केवल अमीरी और गरीबी की 2 जातियां ताकि भारत का हो सके विकास।
एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्यारे को तलाशने ओमकारेश्वर पहुंची पुलिस, तीसरे फरार आरोपी की तलाश में है पुलिस, मुंबई पुलिस उज्जैन पुलिस की ले रही है मदद। उज्जैन में दुर्गा विसर्जन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच हुई कहासुनी, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पोते ने महिला एएसआई से की बदसलूकी, घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। इंदौर में ज्वेलर्स शोरूम में 25 तोला सोना चोरी, चोरी करता हुआ स्टोर का कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। रीवा में तस्कर, रीवा में सरकारी किताबों की चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चपरासी, ग्रामीणों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। इंदौर में सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन से लगेगी शिक्षकों की हाजिरी, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। रीवा में राजापुर पुल से एक युवक ने लगाई छलांग, एसडीआरएफ की टीम ने शुरू की सर्चिंग। डिंडोरी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना, तीन युवक हुए घायल, नाचने के दौरान धक्का मुक्की का कारण छिड़ा था विवाद। हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के मौके पर खंडवा में राजकुमार हिरानी ने किशोरदा की समाधि स्थल पर टेका माथा, दूध जलेबी का भोग लगाकर किशोरदा को किया याद। खंडवा में निर्देशक राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किया गया सम्मानित, पुरस्कार के साथ 5 लाख रुपए की राशि और श्रीफल भी किया गया भेंट। भोपाल में युवक ने नाबालिग से की छेड़छाड़, हिंदू संगठनों ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया हंगामा, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले।